हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाएंगे चिकन वाइट पास्ता। बहुत ही आसान रेसिपी है और 5-3 स्टार रेस्टोरेंट में कैसे बनता है वो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है और उनको बना के दें और बाहर से जो है ना आप अच्छा घर पर बना सकते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, सबसे पहले तो उसमें जो है ना हमारे पास पास्ता है, ये तकरीबन 400 ग्राम है। उसके साथ 1 लीटर दूध है और उसके साथ हमारे पास ओरिगानो है, लीफ जो है वो जाएंगे। चिकन पाउडर जाएगा इसमें, इसमें मैदा इस्तेमाल होगा, वाइट पेपर है इसमें और ब्लैक पेपर पिसी हुई। इसके अलावा इसमें गार्लिक पाउडर है मेरे पास और नमक इस्तेमाल होगा। इसके अलावा एक पैकेट जो है इसमें हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ जो है हमारे पास ये चिकन है ब्रेस्ट का बोनलेस, ये तकरीबन 1/2 kg है। इसमें सॉल्ट डाल देते हैं और ये पास्ता हम इसमें डाल देंगे। अभी हमने नीचे से फ्लेम जो है ना बिल्कुल हाई कर देना है। अभी पास्ता को जब हमने पानी में डाला था इसको हमने फुल आंच पे तकरीबन 10 मिनट बॉईल करना है। 10 मिनट फुल आंच पे हमने बॉईल करना है इसको और उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। बिल्कुल पास्ता हमारा अभी रेडी है, अब इसको हम छानेंगे। हमने चिकन भी बॉईल कर लिया है इसको और ये जिसमें हमने ये बॉईल किया है ये स्टॉक बन गई, यखनी बन गई है। इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, हम घर में किसी भी सब्ज़ी में, चावलों में, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकन भी हमारा तकरीबन बॉयल हो चुका है, इसको भी अभी हम छान लेंगे। ऑयल लेंगे हमने चिकन को, थोड़ा सोते करना है, ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म होते ही इसमें हम जो है वो गार्लिक पाउडर जो है ये ऐड कर देंगे इसमें। थोड़ा सा इसमें पकाएंगे ऑयल में और साथ ही हम जो चिकन बॉईल किया हुआ है वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, हमने हल्का सा बस सोते करना है बस। 1 लीटर दूध आएगा इसमें, दूध को हमने बॉईल करना है और हिलाते रहना है ताकि दूध जो ना नीचे लगे नहीं। जैसे ही दूध उबलेगा हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। एक पैकेट जो है ना पूरा फुल क्रीम जो है उसमें ऐड कर देंगे। कोई लाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसके साथ हम जो है वाइट पेपर ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून वाइट पेपर है। तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है वो इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। चिकन पाउडर जो है तकरीबन ये इसमें हम जो है 1 टीस्पून जो है चिकन पाउडर इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1/2 टेबल स्पून जो है ना इसमें हम ओरिगानो जो लीफ है वो इस्तेमाल करेंगे। साल्ट जो है तकरीबन 1/2 टीस्पून डालेंगे क्योंकि इसमें हमने जो चिकन पाउडर डाला है वो भी नमकीन होता है, तो नमक जो है आपने तरीके से डालना है, देख के, ज़्यादा ना हो जाए। थोड़ा इसको पकाएंगे हम अच्छी तरह से ताकि मसाले जो है ना वो अच्छी तरह से पके बीच में। इसके साथ ही हमने जो मैदा 2 टेबल स्पून जो था पानी में मैंने मिक्स करके रखा हुआ है
ये जो मैदा है पानी में मैंने मिक्स किया था, ये डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। चूल्हा हमने जैसे तेज़ कर देंगे ताकि जो ना ये गाढ़ा हो जाए। अभी हमारी सॉस जो है वो तैयार है। ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना है ताकि, क्योंकि हमने इसमें पास्ता भी डालना है तो जिसकी वजह से वो और गाढ़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम नॉर्मली रखेंगे, ये देख रहे हैं आप। अभी साथ ही हम इसमें जो मैक्रोनी है पर वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे चूल्हा आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना। इसके साथ ही हमारे पास जो चिकन था जो हमने सोते किया था गार्लिक में, वो डाल देंगे। अभी अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको हम। आपने चूल्हा नीचे से स्लो रखना है, ज़्यादा तेज़ ना हो, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। माशाल्लाह देखें, बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, थिक भी नहीं है, और बिल्कुल भी बिल्कुल पानी की तरह भी नहीं है। और नॉर्मली मतलब कि ये चीज़ होनी चाहिए आपकी। असल में जब आप इसको हम ठंडा करेंगे तो ये बिल्कुल और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसीलिए बस इतना ही पकाएंगे, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे हम। ये पास्ता हमारा बिल्कुल तैयार है। अच्छा व्यूअर्स, आपने देखा हमने रेसिपी बनाई है, बहुत ही आसान है और बहुत ही यम्मी रेसिपी है। तो आप रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं, आप इंशाल्लाह ये रेसिपी इसी तरह बिल्कुल सेम ऐसे ही घर पे बनाएं, तो इंशाल्लाह आपको ये रेस्टोरेंट का जो अच्छे आप रेस्टोरेंट से यहाँ मंगवाते हैं बाहर से, तो वही टेस्ट आपको मिलेगा। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने के बाद।